टिप्स। वेलकम टू फूड कनेक्शन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नए वीडियो और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। रेसिपी के लिए हमारी वेबसाइट foodconnectionbymadhulika.com पर विजिट करें। फ्रेंड्स, आज हम बेकरीज में मिलने वाली पफ पेस्ट्री बनाएंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। ये क्रिस्पी और फ्लेकी है, आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मैंने होममेड पेस्ट्री शीट से बनाई है। सबसे पहले हम इसके लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें जीरा तड़काएंगे। अब इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालकर ब्राउन होने तक पकाएंगे। इन ब्राउन प्याज का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए इसे ब्राउन करें। अब इसमें फ्रोजन पीस, अगर आपके पास फ्रोजन मटर नहीं है तो आप फ्रेश मटर को पानी में उबाल लें फिर डालें। अब इसमें मैंने यहाँ पे उबले हुए आलू को मैश करके डाला है। और सभी मसाले जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक, अमचूर पाउडर डालें और इसे अच्छे से मिक्स करें और 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर पकाएं। आप इसमें पनीर चीज भी डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे होममेड पफ पेस्ट्री शीट्स का यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बनाया। इसका रेसिपी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसे मैंने फ्रीजर में स्टोर करके रखा है और रात को मैंने इसे फ्रीजर से फ्रिज में निकाल लिया और अब इसे मैं डस्टेड प्लेटफॉर्म पर रेक्टेंगुलर शेप में रोल कर रही हूँ। यहाँ इसे धीरे धीरे करना है। बोर्ड खिसके ना, इसके लिए मैंने नीचे किचन टॉवल लगा लिया है। अब हमारी ये रेक्टेंगुलर शीट तैयार है। देखिए, इतनी थिकनेस होनी चाहिए। आप किसी भी शार्प नाइफ या पिज्जा कटर से इसके साइड्स कट करें। ये साइड्स कट करना बहुत जरूरी है, अभी हमारी पफ पेस्ट्री की लेयर्स खुलकर आएंगी। अब मैंने इन्हें छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है। आप अपनी मनपसंद अनुसार कोई भी शेप में भी कट कर सकते हैं। अब इन स्क्वायर शीट्स पर तैयार स्टफिंग रखें। स्टफिंग एकदम ठंडी होनी चाहिए। आप इसे रेक्टेंगुलर शेप में भी फोल्ड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड कर रही हूँ और देखिए, जब मैं इसे प्रेस कर रही हूँ तो इनके साइड्स को नहीं प्रेस कर रही हूँ, ताकि इनके जो शीट्स के जो सिरे हैं वे खुले रहें। एक बार वापस देखिए इन्हें किस तरह से फोल्ड करके प्रेस करना है। बहुत ही धीरे से प्रेस करना है और एकदम कॉर्नर्स पे नहीं करना है। हाँ, इसी तरह से सभी पेस्ट्रीज को तैयार कर लें। अब इन्हें एक बेकिंग ट्रे पर असेंबल करें। कन्वेक्शन मोड पर 200 डिग्री के लिए प्रीहीट करें और 200 डिग्री पर 20 मिनट्स के लिए इसे बेक होने के लिए रख दें। अब टेम्परेचर 180 डिग्री पर करके 7 से 8 मिनट तक और बेक करें, इससे पेस्ट्रीज में कलर आएगा। देखिए कितनी खूबसूरत और कितनी फ्लेकी पेस्ट्रीज बनी हैं। आप इसे घर पर बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। थैंक यू।